Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. जूडियो में चल रही सबसे भयंकर सेल जो कि एंड हो जाएगी फरवरी तक, तो उससे पहले आप भी शॉपिंग कर लो। मैं पहुंच गई जूडियो GIP मॉल नोएडा में। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या रेंज है एंड क्या क्या वैरायटी है, प्लस कितने हद तक सेल में आपको ऑप्शन मिल जाता है। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पे 199 रुपीज़ से स्टार्ट है। यहाँ पे कुर्ती ले लो, टॉप ले लो, आप टॉप देख लो, इतने ट्रेंडी थे, अच्छे लगे थे। प्लस कुछ चीज़ें मुझे नहीं भी अच्छी लगी जूडियो की, तो वो भी आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। प्लस आपको जूडियो के पूरा हॉल दिखाऊंगा, चाहे वो फुटवेयर हो, चाहे वो कपड़े हो, क्लोथिंग हो, मेकअप हो, एवरीथिंग। तो जैसे ही मैं जूडियो में इंटर कि वहां पे सबसे पहले मुझे पुतलों पे सेल लग गया था एंड वहां बड़ा बड़ा 199 299 99 टाइप के सेल। टॉप की बहुत ज्यादा वैरायटी, ट्रस्ट में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा मुझे दिखा था। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि हर एक डिजाइन में आपको हर एक साइजेस मिल जाएगा। बहुत से साइजेस अवेलेबल है, बहुत से नहीं, क्योंकि सेल बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी, कटनी छटनी हो गई है। तो लेकिन काफी हद तक मुझे यहाँ पे साइजेस जैसे लार्ज हो गया, मीडियम हो गया, स्मॉल हो गया, एक्सेल हो गया मिल रहे थे। एंड ये सारे जितने भी अभी तक आप टॉप देख रहे हैं, ये सारे 199 के थे। ये देखो रेड वाला क्यूट टॉप कितना सही वाला है ना, मतलब आप यहाँ पे समर की भी शॉपिंग कर सकते हो। एंड इस सेल में बहुत सारे ऐसे भी टॉप थे जो आप हल्की ठंडी ठंडी गुनगुनी जो ठंडी होती है ना, उसमें जो आप स्वेट शर्ट या फिर टॉप पहनते हो, उस टाइप के भी यहाँ पे कलेक्शंस थे। ज़्यादातर तो यहाँ जो टॉप आप देख रहे हो, ये सारे टॉप है मीडियम एंड स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल टाइप के। लार्ज और एक्सेल में बहुत कम वैरायटी मुझे देखी, या फिर छटनी हो गई थी, आई डोंट नो। बट ये इनका एक तरह का क्लियरेंस सेल है, इसीलिए जो टॉप आपको नॉर्मल डे पे जोड़ियों में 200 300 400 के थे, वो इस टाइम सेल में 199 के हैं। तो आप अच्छे से जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। प्लस एक मॉल है तो क्वालिटी भी अच्छी है, जैसे आप सरोजनी या फिर फुटकर मार्केट में लोगे तो 200 रुपये की टॉप मिल जाएगी, लेकिन वहाँ से काफ़ी अच्छा यहाँ पे मुझे क्वालिटी दिखी। ये जो स्वेट शर्ट्स है, ये इस पर भी भयंकर सेल लगी हुई थी, मतलब वैसे नॉर्मल डे पे ये 699 499 के थे, पर यहाँ पे 299 के थे। डेनिम जैकेट भी थे जो कि काफ़ी अच्छा ट्रेंडी लगता है मुझे। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छे लगे यहाँ के क्रॉप टॉप, प्लस मिडीज टाइप के टॉप जितने भी फैशनेबल वाले होते हैं। प्लस यहाँ पे शॉर्ट्स भी थे, जीन्स में स्कर्ट भी थी, डेनिम स्कर्ट, डेनिम शॉर्ट्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ 299 के थे। आई थिंक इट इज़ अ बेस्ट डील। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के डिज़ाइन भी आप देख सकते हो, बहुत कलर थे, ब्लैक था, ब्लू था एंड ग्रे था, प्लस इसमें डिटेलिंग भी बनी हुई थी। सिर्फ 300 रुपये का शॉप अगर आप बाहर सरोजनी से भी लोगे तो भी आपको ऐसे ही मिलेगी, बट यहाँ पे मुझे सरोजनी से थोड़ी अच्छी क्वालिटी लगी थी, तो इसलिए मैंने काफ़ी अच्छे से चेकआउट किया। प्लस जीन्स पे भी बहुत सारे ऑफर थे, तो आप यहाँ पे जाके वो ट्राई ज़रूर कर लेना, लेकिन बहुत लंबी भीड़ रहती है ट्राई में, तो आप थोड़ा सा टाइम लेके जाना, क्योंकि जूडियो में कलेक्शन बहुत वास्ट है। तो आपको ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में देखना है, आपको एक 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 चीज़ देखना है। आप इस वीडियो में देख सकते हो मैंने एक एक टॉप हुआ या स्वेट शर्ट हुआ या फिर जो भी है, सबको डिटेल में आपको दिखाया, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस टाइप के टॉप मिलता है। एंड हाँ, एक बात और है कि हर अलग अलग ब्रांचेस में जूडियो अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल ऑल इंडिया में जूडियो जितने भी हैं सब पे अभी सेल चल रही है। तो आप कहीं पे भी हो, चाहे वो आप लखनऊ हो, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, मुंबई हो, कहीं पे भी हो, आप जूडियो हॉल जूडियो जाके वहाँ पे अपना शॉपिंग कर सकते हो। एंड ये जो आप देख रहे हो, ये सारे टॉप सब 299 के हैं। बहुत सारे इसमें जो है वो 99 के भी। ये ब्लैक वाला टॉप मुझे बहुत अच्छा लगा था जो 299 का था, प्लस वाइट में भी था। ये देख रहे हो इस टाइप के, ये क्रॉप टॉप टाइप के थोड़ा सा मतलब वॉर्म वाले टॉप हैं, जो कि आप हल्की सर्दी जब पड़ती है ना, उस समय आप इस टाइप के टॉप पहन सकते हो। इसमें भी ब्लैक था, ब्लू था, ग्रे था, वाइट था। अगेन आप साइजेस देख रहे हो, जितने भी आप साइजेस देख रहे हो, ज़्यादातर साइजेस स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल या मीडियम है। लार्ज में बहुत कम ऑप्शन थे, जैसे ये वाला टॉप देख रहे हो, ये भी मीडियम वाला है, ठीक है। तो अगेन लार्ज में एक्सेल अगर आपका है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है जूडियो में, क्योंकि लार्ज और एक्सेल डबल एक्सेल वाले आपको जूडियो में नहीं दिखेंगे, दिखेंगे लेकिन बहुत ही कम, ज़्यादातर आपको मीडियम और वैसे वाले दिखेंगे। प्लस इंडियन जितने भी वेयर थे उस पर मुझे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दिखा। अगर आप सोच रहे हो मुझे कुर्ती लेना है या ड्रेस लेनी है, इंडियन ड्रेस या फिर प्लाजो इस टाइप की लेनी है, तो उस पर ज़्यादा सेल नहीं थी। जो नॉर्मल प्रिटी प्राइस होता है 399 499 699 इस टाइप की थी। देखो डेली वेयर वाली कुर्तियाँ जो हम लोग पहनते हैं या फिर मम्मी लोग को ज़्यादातर पसंद आते हैं, उस पर भी सेल नहीं थी। लेकिन एक दो थी जिस पर मुझे सेल दिखी, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार थी, मतलब वहाँ पे
मुझे लगा कि सेल में क्यों ही डाला है, जैसे कि यहाँ पे 199 की देख रही है कुर्तियाँ, सेल में लगी थी 199, मतलब ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, ट्रस्ट मी, इससे अच्छा मुझे बाहर या कहीं और मैं देख लूँगी। तो मुझे जूडियो का इस बार का इंडियन कलेक्शन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, ये जितने भी आप देख रहे हो 199, आई डोंट थिंक इट इज़ अ वर्थ बाइंग। एक दो थे उसमें जो आप डेली यूज़ में पहन सकते हो जो कि ठीक ठाक थे, लेकिन इसमें वहाँ पे एक सेल लगी हुई थी 99 का, उसमें ये एक दो कुर्तियाँ टंगी हुई थी, तो सारी छटनी हो गई थी। फिर मैंने देखा इसकी क्वालिटी, ओ माय गॉड, इतनी बेकार थी, इसमें सारे देखो रोए लगे हुए, पास से मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो सारे रोए लगे हुए। तो मुझे लगा ये 99 का भी क्यों दे रहे, कौन ऐसा होगा जो 100 रुपये भी खर्च करके ये रोए वाली कुर्तियाँ लेना चाहेगा। देन यहाँ पे प्लाजो पे भी सेल लगी हुई थी 99 रुपीज़ का, जिसमें भी अगेन साइजेस के बहुत ज़्यादा कटनी छटनी था, अच्छे से मुझे साइजेस नहीं मिले। स्वेट शर्ट्स जो थे ये 5999 के थे, लेकिन यहाँ पे सेल में आपको सस्ता मिल रहा था, 299 का मिल रहा था, तो मुझे ये वाले अच्छे लगे। प्लस ये थोड़ा सा जेंजी लुक जो आजकल चला है सबसे ज़्यादा ट्रेंडी, इसको आप किसी भी हाई वेस्ट जीन्स वगैरह पे पहन सकते हो। प्लस यहाँ पे फ्रेश पीसेस भी थे, जैसे ये 599 का देख रहे हो ऑलिव वाला, ये वाला फ्रेश था, ये वाला जो आप देख रहे हो गाजरी कलर का, वाइट कलर का, ये सारे फ्रेश थे, ये सारे ज़ारा के ड्यूब आपको मिल जाएंगे, H&M के, ये वाइट वाले जितने भी सारे न्यूट्रल कलर हैं ये सारे आपको ज़ारा, H&M इस टाइप के ड्यूब यहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएंगे। लेकिन ज़ारा H&M में आपको 2000-3000 से कम का नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको प्रिटी मच 600-700 का मिल जाएगा। जीन्स जो था वो 700 का था, जीन्स पे इतना ज़्यादा मुझे सेल नहीं लगी, और ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल कम लगा मुझे, एंड बाकी क्रॉप टॉप पे ज़्यादा सही लगी। तो प्लस ये वाले जो क्रॉप टॉप देख रहे हो ये कुरेशिया वाला काम वाला, ये वाला थोड़ा सा सेल पे नहीं था, जो मुझे लगा सेल पे होना चाहिए था, बट मे बी नेक्स्ट टाइम ये भी सेल पे हो जाएगा। ये भी इनका फ्रेश पीस है, काफ़ी अच्छा लगा था। इस टाइप के मैंने ज़ारा में भी देखे थे जो कि बहुत महंगे लगे थे मुझे, वहाँ पे मुझे 1000 रुपये 899 इस टाइप के मिले थे, लेकिन यहाँ पे आराम से 400-500 के मिल रहे थे। ये वाइट टॉप भी बहुत अच्छा लगा था, इसका आस्तीन सबसे ज़्यादा मुझे प्रिटी लगा था, एंड ये मैंने सोचा कि मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। एंड देन मुझे यहाँ पे एक क्रॉप टॉप दिखा जो कि ब्लैक वाला था, सेम डिक्टो मैंने ज़ारा में देख रखा था गाइस, सच में। तो यहाँ पे वीडियो में अगर आप ज़ारा और H&M का ड्यूप ढूंढोगे तो पक्का मिल जाएगा यहाँ पे कलरफुल, क्योंकि समर जस्ट आई जाएगी, मतलब जनवरी लास्ट के बाद, फरवरी मार्च के बाद समर्स आ जाएगी, तो समर्स का कलेक्शन भी यहाँ पे आ गया था जिसपे कोई भी सेल नहीं थी। जैसे ये 400 रुपीज़ की ये टॉप्स जितने भी देख रहे हो 399 का था, इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं था, प्लस जितने भी उनके डिस्काउंट वाले थे वो अलग सेक्शन लगे रहेगा जहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी, और जहाँ डिस्काउंट वाले थे वहाँ इतनी भर भर के भीड़ थी कि मतलब आपको खड़ा होना भी मुश्किल है, वहाँ पे कटनी छटनी भी हो रहा था। कटनी चटनी जिसको नहीं पता उसका मतलब है कि आधे ज़्यादा चीज़ें बिक गई, आपको साइजेस नहीं मिलेंगे। प्लस वहाँ पे ब्रा 3999 का था जो कि काफ़ी अच्छा मुझे लगा, क्वालिटी ओके थी, डिसेंट थी ब्रा वगैरह की भी, तो आप चाहो तो ले सकते हो सीमलेस वाली या डेली वेयर वाली भी। 399 यानी 400 रुपये की थी, तो आई मस्ट से कि ठीक ठाक थी। ये पजामी जो थी 199 की 200 रुपये की, तो आराम से सरोजनी पे भी मुझे मिल जाती है, तो इसमें मुझे कुछ खास बात नहीं लगी। सबसे खास बात ये थी कि यहाँ पे चेंजिंग लाइन देख रहे हो आप, इतनी लंबी लाइन है। अगेन अगर आप कभी भी जाओ जूडियो वीकेंड्स के दिन जा रहे हो तो अच्छे से टाइम लेके जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। प्लस चप्पलों पे भी सेल लगी हुई थी, 99 रुपीज़ की ये चप्पलें थी, ये जितनी भी आप देख रहे हो ऑलिव ब्राउन ये वाले मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, ये सारी 99 की सेल में थी, तो कि काफ़ी अच्छी लगी मुझे। एंड ये वाली थोड़ी सी अलग हटके लगी, तो ये वाली भी आपको 99 की मिल जाए। देन एक अलग वेराइटी थी जो कि 199 की थी, मतलब इसका ओरिजिनल प्राइस 600-400 था, बट ये अभी सेल पे 200 रुपये की आपको सारी मिल जाएगी। इंडियन वेयर पे इस टाइप की जूतियाँ चप्पल बहुत अच्छी लगती है, ये वाली चप्पल मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, एंड इसका प्राइस जो था 299 का, इस पर कोई भी सेल नहीं लगी हुई थी मुझे ऐसा लगा, लेकिन आप जब पलटोगे तो वहाँ पर सेल लगी 299 का था, एंड ये 149 का था, मतलब 150 रुपये का ऑफ था, मतलब हाफ जस्ट हाफ रेट, मतलब 300 का था और 150 को मिल जाता। ये अगेन ये वाली कुर्ती के ऊपर, इंडियन वेयर के ऊपर बहुत सेक्सी लगे, तो इस टाइप के आप इंडियन अगर आप जूती चप्पल देख रहे हो तो आई मस्ट से जूडियो में बहुत अच्छी वैरायटीज थी। ये जूता सबसे बेकार लग रहा था मुझे, 99 का ही दे रहे हैं इसीलिए, तो क्योंकि बेकार था। एंड ये इधर कुछ फ्रेश पीसेस भी लगे थे जिसपे कोई भी डिस्काउंट नहीं था, ये 699 का था यानी 700 रुपीज के, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप इंडियन वेयर में अच्छे जूते चप्पल देख रहे हो तो आई मस्ट से जूडियो में बहुत अच्छा कलेक्शन है चप्पलों का। ये वाइट वाली ब्लॉक हील वाली बहुत सही लग रही थी, एंड ये देखो ये वाली भी थोड़ी सी लेवेंडर टाइप का कलर, ये भी काफ़ी अच्छा था। प्लस यहाँ पे इतने अच्छे ट्रांसपेरेंट ही वाले थे, ये सारे फ्रेश पीस थे जहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बट ये भी बहुत सस्ते थे, 300 रुपीज़ का ये वाली थी चप्पल। इसमें वाइट था एंड पिंक शेड में था एंड वाइट शेड में था, थोड़ा सा ब्राउन शेड में भी था, ब्लैक में भी था, तो इसमें
चार कलर थे, तो इस टाइप के आप जूते चप्पल जूडियो में ट्राई कर सकते हो। ये अगेन ये भी कढ़ाई टाइप का है, इंडियन पे या फिर थोड़ा सा हैवी सूट पे भी आपको इस टाइप की चप्पल अच्छी लगती है। अगर आप हील में नहीं चाहते हो तो इस टाइप के स्लीपर पहन सकते हो। सबसे अच्छा मुझे ये वाला लगा था। एंड यहाँ पे पर्पल कलर के अगर आप लवर हो ना लेवेंडर BTS वाले, तो इस टाइप के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये 399 का है एंड मुझे भी ठीक लगे, बट आई एम नॉट लाइक अ लेवेंडर लेवेंडर गर्ल, तो या इसलिए मैंने नहीं लिया। एंड यहाँ पे स्नीकर्स भी थे, शूज़ भी थे। ये वाला शूज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात ये लगी कि बहुत लाइट वेटेड था, प्लस 799 का था। यस, इस पर कोई भी ऑफ नहीं था। ये आई थिंक फ्रेश पीस था, लेकिन इतना अच्छा था कि इस पर साइजेस अवेलेबल नहीं थे ज़्यादा, सिर्फ एक साइज़ था 40 वाला, तो मैंने तो ले लिया ये वाला। आपको मेरे किसी ना किसी शॉर्ट में देखने को ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। देन इस टाइप की आप देख रहे हो चप्पल, ऑलिव एंड पिंक, बहुत अच्छे। तो मैंने दो तीन चप्पल ट्राई किए, यहाँ पे बैठने का सिर्फ दो ही चेयर रखी थी, तो ओके फुल हो गया था, तो मुझे खड़े खड़े होके ही जूते चप्पल पहन के देखने पड़े। तो ये वाला जूता तो मैंने ले लिया था, बहुत अच्छा लगा था। आप लोग कमेंट करके बताओ ये वाला जूता मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, मैंने सही लिया कि नहीं लिया। प्लस सबसे अच्छी बात ये लगा, बहुत लाइट वेट था, इसलिए मैंने आग बंद के ले लिया कि कभी ना कभी मुझे पहनने में आ जाएगा। एंड लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि शूज़ बहुत ज़्यादा हैवी होते, मुझे नहीं पसंद आता। देन मैं इसके मेकअप सेक्शन में गई जूडियो में, जहाँ पे 49 रुपीज़ के मुझे लिप ग्लॉस लगे थे, जो कि नॉर्मल रेंज है यार, 49-50 रुपये में लिप ग्लॉस अच्छे से मिल जाता है। एंड देन यहाँ पे नेल पेंट के मुझे काफ़ी अच्छे लगे, 200 रुपये के नेल पेंट थे। इस पर कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि सेल वेट चल रही। प्लस आपको जितने भी देख रहे होंगे, सबसे लेवेंडर लाइट कलर जो पेस्टल कलर होते हैं उस कलर के बहुत ज़्यादा, मैंने एक दो नेल पेंट ट्राई भी रहे थे, तो पेस्टल कलर वाले मुझे सबसे अच्छे लगे। तो अगर आप पेस्टल कलर के लवर हो तो आई थिंक आपको यहाँ पे काफी अच्छा मिल जाएगा। प्लस मैंने ये वाला लिप ग्लॉस भी लिया है, जो आपको मेरी यूट्यूब शॉर्ट में देखने को मिल जाएगा, उसका क्या रेट है, कैसा क्या है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको कलरफुल लाइनर, शिमर लाइनर मिल जाएंगे, ब्लू था, ब्राउन था, एक्वा था, ऑलिव था, तो एक दो मैंने इसमें लिए, जो कि अगेन आपको यूट्यूब शॉर्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। सारी चीजें मैं ट्राई करके आपको दिखाऊंगी, तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जब भी शॉर्ट डालूं तो आपको देखने को मिल जाए। बस लिपस्टिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंज थी, चाहे वो लिप ग्लॉस हो, चाहे बुलेट लिपस्टिक हो, चाहे वो लिक्विड लिपस्टिक हो, बहुत अच्छा। देखो ये वाला कलर देख रहे हो, ब्राउन, ठीक है, देन ये एक्वा ब्लू कलर, देन ये एक्वा कलर, ये शिमर वाला पिगमेंट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से ग्लाइड हुआ, ऐसा नहीं मुझे घिसना पड़ रहा था, ठीक है, बहुत अच्छा था। एंड यहाँ पे जो लिप ग्लॉस ये देख रहे हो ना, ये 99 रुपये के थे, एंड इसमें इतने सारे फ्लेवर थे, आप खुद ही स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने ज़्यादातर सारे ब्राउन है, ऑरेंज है, पिंक है, सारे कलर थे। देन अगेन वहाँ पे ओ माय गॉड, ट्रस्ट मी गाइस, नेल पेंट इतनी वाइड रेंज थी, इतने सारे कलर थे, वो नेल पेंट हो जाए चाहे लिपस्टिक हो जाए, पर लिपस्टिक में मुझे वहाँ पे न्यूड कलर कम दिखे, न्यूड कलर थे ऐसा नहीं, लेकिन बिल्कुल लाइट न्यूड वैसा नहीं दिखा मुझे, ऑरेंज कलर एक भी नहीं, लेकिन पिंक में, ब्राउन टोन में काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे दिखे। तो मैंने कुछ ट्राई भी किया, जो आके आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इसका मुझे टेक्सचर काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत बहुत अच्छा था, लेकिन हाँ प्रिटी अच्छा था। एक ग्लॉस जो था काफ़ी अच्छा था, ट्रांसपेरेंट ग्लॉस, जो कि आप ले सकते हो। प्लस बुलेट लिपस्टिक की भी इनकी काफ़ी अच्छी रेंज लगी, मैंने एक दो इसमें से परचेस किया, अगेन आपको यूट्यूब शॉर्ट पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेल पेंट भी मैंने ट्राई किया एंड मुझे अच्छा लगा नेल पेंट भी, क्योंकि नेल पेंट बहुत जल्दी सूख जाता, सबसे अच्छी बात होती है नेल पेंट भी जो लगाओ और 2 मिनट में सूख जाए, तो यस ये काफ़ी अच्छे थे। प्लस वाइब्रेंट कलर थे, तो मुझे काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी लगी। प्लस यहाँ पे ब्रा जो होते हैं, ये लेस वाले ब्रा भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे। प्लस यहाँ पे आपको टमी ट्रैकर भी मिल जाएगा, बॉडी शेपर भी मिल जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीज़ का था। मैंने यहाँ का ट्राई नहीं किया, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो, मुझे क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी लगी, तो मेरी तरफ से तो ये है, इसका अप्रूव है। तो इस तरह से मैंने स्टूडियो में पूरी चीज़ें आपको दिखा दी, होप आप लोगों को पसंद आई होगी यहाँ का टूर। देन मैं ऊपर गई थी, वहाँ पे मेन सेक्शन भी मैंने चेकआउट किया था, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। मैं गर्ल्स और बॉयज़ को मिक्स नहीं करना चाहती, इसलिए अगर आप अपने हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड के लिए शॉपिंग करना चाह रहे हो इस वीडियो से, तो नेक्स्ट वीडियो मेरी जरूर देखना, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू।